नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की, जिससे कभी जॉर्ज फर्नांडिस जीत कर सदन पहुंचे थे। क्या इस सीट से एक बार फिर से बीजेपी अपना परचम बरकरार रखेगी, या यह सीट वीआईपी पार्टी या महागठबंधन के खाते में चली जाएगी। यहां से बीजेपी और वीआईपी पार्टी के बीच सीधी जंग। अजय निषाद बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट, जो 2014 में भी यहां से चुनाव जीते, और वीआईपी पार्टी की तरफ से राजभूषण चौधरी निषाद। दो निषादों की जंग में मुजफ्फरपुर पर कब्जा किसका? लाइव सिटीज का एग्जिट पोल यह बता रहा है कि 2019 में सीट पर तकरीबन 61.30% की वोटिंग हुई है, जो 2014 के बनस्पत कम है। जब 2014 में मोदी लहर थी तो उस दौर में यहां पर 63% की वोटिंग हो गई थी, लेकिन इस बार यहां पर वोटिंग परसेंट कम है। अगर 2014 के चुनाव की बात करें, जब जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, तो अजय निषाद उस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट थे, जिन्हें 4,69,295 वोट मिले थे। तो वहीं अखिलेश पीडी सिंह कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थे, जिन्हें 2,46,873 वोट मिले थे। और जेडीयू की तरफ से विजेंद्र चौधरी कैंडिडेट बनाए गए थे, जिन्हें 85,140 वोट मिले थे। अगर जेडीयू और बीजेपी के वोट को यहां पर जोड़ भी देते 2014 में, तो फासला बहुत बड़ा है। और यह फासला क्या बीजेपी को इस सीट पर एक बार फिर से जीत दिलाती दिख रही है? ये कहा जाता है कि दो निषादों की जंग में इस बार किस निषाद पर वहां के वोटर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, किस निषाद को सबसे ज्यादा वोट मिला है। क्या यहां पर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के कैंडिडेट राजभूषण चौधरी निषाद अपनी नाव चला पाएंगे, या बीजेपी का कमल ही यहां पर खिलेगा? लाइव सिटीज के एग्जिट पोल के अनुसार यहां से 2014 का इतिहास 2019 में भी दोहराने वाला है। अजय निषाद इस सीट से चुनाव जीतते दिख रहे हैं। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल के अनुसार 2019 में भी यहां से अजय निषाद चुनाव जीतते दिख रहे हैं। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में मुजफ्फरपुर की सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अजय निषाद पर मल्लाहों का भरोसा ज्यादा दिखा है। हालांकि साहनी वोटर एकजुट जरूर हुए, लेकिन बीजेपी के कोर वोटरों में यहां कोई भी बिखराव होता नहीं दिखा, और क्षेत्र में काम का फल अजय निषाद को मिला है। यह सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। लाइव सिटीज के एग्जिट पोल में मुजफ्फरपुर लोकसभा की सीट बीजेपी के पाले में जाती हुई दिख रही है। अगर आप भी अपने सीट के एग्जिट पोल को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।